आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, मुझसे क्वेश्चन में पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। इनमें से कौन सा मेटल हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं कर सकता जब वो डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। तो देखो, हमारी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है जिसमें एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं। क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं थोड़ा बात करूं, एक हाइड्रोजन हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रेफरेंस होता है, क्योंकि हम इसमें क्या लेते हैं, इसकी ई नॉट हम कितनी लेते हैं? जीरो लेते हैं, ठीक है ना। तो जो इसका ई नॉट है जीरो, हम एक रेफरेंस की तरह लेते हैं इस और सारे मेटल्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो, प्लेटिनम, जिंक और मैग्नीशियम और लेड की बात की गई है। तो अगर मैं इन सब की बात करूं, तो हमारा जो हाइड्रोजन के बाद मेटल होता है वो होता है पीबी, दैट इज पीबी टू पॉजिटिव, टू इलेक्ट्रॉन लूज करके वो बना लेता है पीबी, जिसका ई नॉट मेरा होता है -0.13। पीबी के बाद मैं बात करूं, हमारे को क्या क्या गिवन है, मैग्नीशियम, जिंक, तो हमारा यहाँ पे रहता है थोड़े से एलिमेंट्स के बाद जिंक, टू पॉजिटिव, टू इलेक्ट्रॉन लेके बना लेते हैं जिंक, और जो इसका ई नॉट होता है वो होता है मेरा -0.76। और मैं जिंक के थोड़ी बात करूँ तो हमारा रहता है मेटल Mg2 पॉजिटिव, जिसका मेरा ई नॉट रहता है माइनस, Mg का कितना रहता है हमारा -2.37 वोल्ट, ठीक है। और बचा हमारा प्लैटिनम, तो जो प्लैटिनम का ई नॉट होता है वो होता है हमारा ऊपर होता है, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है, प्लैटिनम 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लेके बनाता है प्लैटिनम, जिसका मेरा ई नॉट होता है +1.188 वोल्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे हम सीरीज में नीचे जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता जाता है, स्ट्रॉन्ग। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं सीरीज में, उनकी क्या हो जाती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज करती जाती है। एज वी मूव डाउन, तो जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल में कंपेयर करूं, तो देखो जो हमारे ई नॉट है वो क्या है, यहाँ पे तो इसकी पॉजिटिव वैल्यूज है और ये तीनों नेगेटिव वैल्यूज है, तो जो अलाउ नहीं करेगी एच टू का इवॉल्व, कौन सा होगा जिसका ई नॉट उससे ज्यादा होगा, तो ई नॉट हमारे एच प्लस इलेक्ट्रॉन लेके एच टू, जो ई नॉट जीरो है वो उससे ज्यादा वैल्यू किसका, हमारे सिर्फ प्लैटिनम का, और प्लैटिनम में क्या इवॉल्व नहीं होने देगी हाइड्रोजन को। इन दोनों केस में तो हमारा इजिली इवॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसका यहाँ से पोटेंशियल ज्यादा है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा मेटल इवॉल्व नहीं कर पाएगा एच टू फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड एसिड, तो वो मेरा रहेगा प्लैटिनम, और मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट ए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।